बोले काम करो, इतने में श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए तो बोले, नारद जी आप थोड़ा वृंदावन का थोड़ी सी भजन गाओ, कीर्तन करो, हैं, हो सकता है कृष्ण वृंदावन की याद करते करते बेहोश हो गए और वृंदावन का कीर्तन सुनते सुनते उनको होश आ जाएगा। नारद जी ने कहा, देखो मैं तो गा सकता हूँ लेकिन कृष्ण का जब होश आएगा ना, फिर कृष्ण यहाँ नहीं रहेंगे, कृष्ण यहाँ छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले वृंदावन को किसी व्यक्ति को भेजो, वहाँ पर ब्रजवासियों को जा करके बताए कृष्ण आ रहे हैं, हैं कृष्ण आ रहे हैं। बोले किसी को भेजे, बोले उद्धव जी को भेजा जाए, उद्धव बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर उद्धव जी को भेजा जाए, उद्धव जा करके बोले फिर हम कृष्ण को लेकर के थोड़ी सी वृंदावन घुमा फिरा करके फिर हम उनको द्वारका में वापस ले आएंगे। तो उद्धव जी आप थोड़ी सी जाओ। बोले मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले एक बार मैंने गया था, कृष्ण मेरे को भेजा था और मैं तो पहले सोच रहा था कृष्ण को छोड़ करके हम रहे कैसे वहां पर, हाँ, लेकिन कृष्ण ने बताया है उद्धव जी आप बोल रहे हो वहां जाकर के कैसे रहे, लेकिन वास्तव रूप में मैं तो यहाँ पर एक आना में हूँ और 99% मैं वहीं पर रहता हूँ, वहां जाओगे ना तो मेरे को संपूर्ण तुम भूल जाओगे, हैं? लेकिन सचमुच से उद्धव जी जब ब्रज में गए, कृष्ण तो पहले उनको कृष्ण रहते समय ये वृंदावन का स्थिति कैसे था उनको दर्शन कराया, हैं? कैसे सारे ब्रजवासी सवेरे उठ करके बोले गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे जा दब हे सखेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। सबके सब सवेरे गोपियां उठ करके सुंदर कैसे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और कैसे गोदहन करने के लिए कोई बोल रहे पात्र ले आओ, कोई कहते बछड़े को छोड़ दो, कोई बोलते हैं हैं दूध लाओ। कृष्ण रहते समय जैसे स्थिति था कैसे वहां पर कोयल कैसे कुकू कर रहे हैं, मयूर कैसे केका कर रहे हैं और संपूर्ण ब्रज कैसे हरा भरा है, सारे ब्रजवासी कितने प्रसन्न हैं। उन्होंने पूरा प्रकट ब्रज को उन्होंने दिखा दिया योग माया ने, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने ब्रज का विरह अवस्था को उन्होंने दिखाया, दिखाया कैसे कृष्ण विरह में कोयल कैसे कूकती नहीं, मयूर कैसे केका नहीं करते हैं, बछड़े कैसे दूध नहीं पीते, गैया कैसे घास नहीं खाते, सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में कैसे व्याकुल है, हैं? और इतने भक्त लोग आंखों का आंसुओं से कैसे आंसू कैसे बहते बहते जमुना में मिल रहे हैं। उन्होंने पूरा उन्होंने कृष्ण विरह को उन्होंने दर्शन करा दिया और उद्धव जी ये चीज को जैसे अनुभूति कैसे किया, हैं? उन्होंने पूछे ब्रजवासियों को नंद बाबा का घर कहाँ पर है। एक व्यक्ति ने एक परंडला दिखा दिया, बोले देखो ये पानी जहां से बह रही ना खत्म हो गई वहीं पर नंद बाबा का घर। उद्धव बोले मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का घर का, मेरे को परंडला दिखा दिया। लेकिन सचमुच से जब उन्होंने वो परंडला को देखते देखते गए, देखा सचमुच से नंद जसोदा इतने कृष्ण विरह विरहित, तो उनका आंखों का आंसू ही उसमें परंडला रूप में बह रही है, हैं? और मैया जसोदा तो कृष्ण विरह में एकदम लेट हुई, हैं? आग बंद करके, बोले आग खोलूंगी तो केवल मैं कृष्ण आने पर ही आग खुलूंगी, नहीं तो आग नहीं खुलूंगी। इतने में श्री उद्धव जी वहां पर गए, नंद बाबा का गोद में बैठ गए और उद्धव जी नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगर किसको सांत्वना दो तो कैसे सांत्वना दोगे? अगर कोई रो रहा है हम क्या बोलेंगे? भैया रोना नहीं, क्यों रो रहे हो, हैं, क्यों रो रहे हो, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन उद्धव जी जब सोच रहे थे
मैं नंद बाबा को बताऊं जे क्यों रो रहे हो, हाँ रोना नहीं, अगर इतना बोलू ना जितने सारे शास्त्र में तो थप्पड़ मारेगा। सब शास्त्र यही कहता है, महाप्रभु कहते ना बोले नयनम गलदश्रु धारया भजनम गद गद हृदय गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। कब ऐसे दिन आएगा जबकि हम भगवान का नाम को लेकर के आंखों का आंसू बहने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। हर शास्त्र कहता है भगवान का नाम लेकर के रो, अगर मैं उसको मना करूंगा तो क्या होगा, सारे शास्त्र में थप्पड़ मारेंगे। उद्धव तो बड़ा अभिमान लेकर के गए थे, बोला अरे ये ग्वालियों को ग्वाल बालों को समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी हरी बात, मैं तो बृहस्पति का मैं शिष्य हूँ। हैं बोले कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत्य से था, इसलिए शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतमा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कृष्ण का सखा मित्र और कृष्ण को परामर्श देने वाले, इनको तो चुटकी बजाते मैं समझा दूंगा। लेकिन उन्हें बहुत कष्ट से एक बार उनको बोले नंद बाबा आप तो जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान हो। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया, आपको पता है ये कृष्ण कौन? बोले कौन? बोले सख्यात परम परम्परा पर तत्व ही ये आपका बेटे बन करके आए, आप कितने सौभाग्यवान। इतना बोलते ही नंद बाबा तो बोले उद्धव मैं तो सोच रहा था कृष्ण को साथ में रह करके तुम्हारी बुद्धि थोड़ा सब बुद्धि आ गया होगा, लेकिन देखा तुम तो बेकूफ बने हुए हो, तुम मेरे को सौभाग्यवान कह रहे हो, अब बोल रहे हो कृष्ण परात पर परम ब्रह्म मेरे पुत्र रूप में आए हैं। तब उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, कोई एक व्यक्ति था उसको कोई एक पारसम मणि उसको मिला था, लेकिन उसने सोचा ये कोई पत्थर के टुकड़ा होगा, उसने अपना बच्चे को दिया खेलने के लिए। किसी व्यक्ति ने देखा था उसका बच्चा पारस मणि को साथ में खेल रहा था, लेकिन कैसे खेलते खेलते बच्चा वो पत्थर कहीं घूम गया। वो व्यक्ति अगर उसको पिताजी को बोले मैंने देखा तुम्हारे बेटे को पास में पारस मणि था वो खेलते हुए, बोले क्या पारस मणि था, मैं तो सोच रहा था कोई साधारण कोई कांच का टुकड़ा था। हाँ कांच ही कोई टुकड़ा था, फिर तो व्यक्ति दुखी होगा ना सुखी होगा? दुखी हो जाएगा, इतनी कीमती चीज मिला था और ये खो गया। कहते पहले मैं तो सोच रहा था कृष्ण मेरा बेटा है, लेकिन आप कह रहे हो कृष्ण बेटा नहीं, कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। अगर पूर्ण ब्रह्म को संतान रूप में पा करके अगर फिर मेरे हाथ से कहीं खो जाए, बताओ मैं बुद्धिमान, मैं सौभाग्यवान ना मैं है ना दुर्भाग्यवान हूं। फिर उन्होंने वहां से गए, फिर उन्होंने गोपियों से फिर मिले, फिर गोपियों को साथ में फिर साक्षात्कार हुई, फिर गोपियों ने उनको ऐसे ऐसे प्रश्न की जिसको उद्धव एकदम चुप हो गए उद्धव जी। फिर उन्होंने श्री राधा रानी को पास में ले गए, देखा कैसे राधा रानी कमल फूल की सज्जा के ऊपर में लेट हुई, कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आए, राधा जी के चरणों के ऊपर बैठना चाह रहे थे और राधा रानी कृष्ण को जो टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी जिसको उद्धव देख करके एकदम चकाचौंध हो गया, हैं चकाचौंध हो गया। और लास्ट में उद्धव जी 5 श्लोकों को द्वारा ब्रज गोपियों की श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा को उन्होंने व्याख्यान की है। और उद्धव जी बोल करके आए थे क्योंकि अपना आंखों से उन्होंने देखा कृष्ण विरह में ब्रजवासी कितने व्याकुल है, भले मैं जरूर कृष्ण को ले करके आऊंगा। उद्धव जी ये बात बोल करके आए थे, लेकिन जब उद्धव जी वापस आए कृष्ण को बताया तेरे विरह में ब्रज कितने दुखी है, एक बार चलो। कृष्ण तो सुन करके थोड़ी सी तो आंखों से आंसू बहाते हैं, लेकिन उद्धव जी कृष्ण को अभी तक उन्हें ले नहीं पाए। इसलिए उद्धव जी ने कहा देखो अगर मैं जाऊं फिर ब्रजवासियों को बताऊं कृष्ण आ रहे हैं, मेरे को ये लोग क्या सोचेंगे, बोले वो झूठे पैर आ गया था, बोल कर गया था कृष्ण को लाओगे
अभी तक ला नहीं पाया, फिर आ झूठ बोलने के लिए आ गया। इसलिए भैया हमें भी नहीं जा सकता, इतने बोले और किसको भेजा जाए, वैसे बलदेव प्रभु को भेजा जाए। बलदेव प्रभु बोले मेरा भी यही स्थिति है, हैं? मैं कृष्ण को बहुत बार कोशिश किया ले जाने के लिए, लेकिन कृष्ण हाँ हाँ तो करते हैं, आंखों से थोड़ा आंसू तो बहाते हैं, लेकिन अभी तक भी मैंने लेकर के नहीं जा पाया। एक बार मैंने गया जा करके नंदा बाबा का गोद में बैठ गया, मैया जसोदा की गोद में बैठ गया, फिर मेरे सखियों के साथ में राम घाट में मैंने रास भी रचाया, मैंने कोशिश की उनको सांत्वना आनंद देने के लिए, लेकिन कृष्ण के जो गोपियां हैं मैं उनको सांत्वना नहीं दे सका। और मैंने भी प्रतिज्ञा करके आया था कृष्ण को, मैं जल्दी से जल्दी में ले करके साथ में आऊंगा। लेकिन जब कृष्ण को बोलता हूँ चल एक बार ब्रजवासी तेरे विरह में कितने दुखी, एक बार सांत्वना देकर गाओ, कृष्ण तो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन अभी तक भी मैं ले नहीं पाया। अगर मैं दो बार जाऊँ ना बोले फिर वही झूठा आ गया, बोल कर गया था अभी तक ला नहीं पाया, बोले जाएगा कौन। इतने में सुभद्रा राजी होती है कि तो मैं स्त्री हूँ, हैं, इसलिए मैं जाऊंगी वृंदावन में, क्योंकि स्त्री स्त्रियों के अंदर में चले जाते हैं, फिर उनको समझा बुझा देते हैं, इसलिए स्थिर हुआ सुभद्रा जाएगी। लेकिन श्री बलदेव प्रभु ने देखा हम अपना बहन को अकेले कैसे छोड़े, बोले ठीक है काम करो, हम तीनों के लिए तीन रथ बना, हम तीनों ही जाएंगे ब्रज में, अभी तीनों के लिए तीनों सुंदर रथ बनाए, पहले श्री बलदेव प्रभु चलेंगे, बीच में सुभद्रा देवी बहनी है, और लास्ट में श्री कृष्ण चलेंगे। सुंदर तीन सुंदर अपूर्व रथ वहां पर बनाया गया, और श्री नारद जी बड़े सुंदर उन्होंने ब्रज का उन्होंने भजन गाए, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुनतिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जब उन्होंने ब्रज के बड़े सुंदर भजन गाए, इसको सुन करके धीरे धीरे कृष्ण का होश आया, कृष्ण का होश आते ही वो तो संपूर्ण ब्रज भाव में डूबे हुए थे, होश आते ही इतने में कृष्ण दौड़ पड़े वृंदावन के लिए। इतने में द्वारकावासियों ने कहा कृष्ण हमें पता था तुम भी ब्रज में जाने के लिए दौड़ोगे, इसलिए तुम अकेला नहीं, तुम्हारे साथ में बलदेव प्रभु मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ में हमारा बहन भी चलेगी, अब तुम चलोगे, इसलिए श्री कृष्ण को अभी ला रहे रथ के ऊपर में। लेकिन कृष्ण तो संपूर्ण ब्रजवासियों का प्रेम रस रूपी मदिरा को पान किए हुए हैं, इसलिए जगन्नाथ जी कैसे आते हैं कृष्ण हिलते हिलते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे कि शराब होता है ना, हैं, ऐसे ही कृष्ण ब्रज प्रेम का शराब को कृष्ण पिए हुए लुढ़कते लुढ़कते ब्रज प्रेम में उनको लेकर के आते हैं और रथ में बैठाते हैं। बैठा करके अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों अभी ब्रज के लिए जा रहे हैं, जाते समय ब्रज में इतने में श्री राधा रानी अपना सखियों को कह रहे बोले हे सखियों आज मैं प्राण त्याग करने जा रही हूँ, क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे आज मैं जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन परसों बोल करके बरसों बीत गया अभी तक वो कृष्ण नहीं आए। मैंने बहुत धीरज धारण किया है, अभी और धीरज धारण नहीं कर सकती हूँ, आज अभी मैं प्राण त्याग करने जा रहा हूँ।
हे ललिते विशाखे, एक काम कर लेना, मेरा जो शरीर पांच चीज में बनी हुई पंच तत्व में, मैं चाहता हूँ मेरा संपूर्ण ये शरीर कृष्ण सेवा में लग जाए। मेरे शरीर में जो मिट्टी है, जहां पर जिस अंगना में कृष्ण क्रीड़ा करते हैं, वो अंगना में लेकर के वहीं पर छोड़ देना। कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे, उनका चरण स्पर्श हमें प्राप्त होगी। मेरे शरीर में जो पानी है, इसको लेकर के कृष्ण जिस तालाब में जल विहार करते हैं, वहां पर छोड़ देना। पानी रूप में कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूंगी। कहते मेरे शरीर में जो हवा है, कृष्ण जहां पर खेलते हैं, वहीं पर लेकर के छोड़ देना। कृष्ण का शरीर को स्पर्श करूंगा। जब कृष्ण का पंखा झुलाएंगे, हवा रूप में कृष्ण का शरीर को मैं हवा करूंगी। कहते शरीर में जो अग्नि है, कहते कृष्ण जो शीशा में अपना मुंह का दर्शन करते, वो शीशा में लेकर के रख लेना, कृष्ण रूप को दर्शन करेंगे। हैं, इसलिए आकाश जिसमें कृष्ण जहां पर क्रिया करते हैं, वहीं पर छोड़ देना। कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूंगा आकाश रूप में। इसलिए मेरे पंच तत्व जैसे कृष्ण सेवा में जैसे लग जाए। अभी तो मैं प्राण त्याग करने जा रही हूँ, और मैं धीरज धारण नहीं कर सकती हूँ। इतने बोल करके राधा रानी प्राण त्याग करने जा रही थी, इतने में कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंच गए। जब पहुंच गए, सखी को खबर मिला कृष्ण आ गए हैं। तब सखियों ने कहा, हे राधे, तुम प्राण त्याग मत किया करो, तुम्हारी प्रियतम श्याम सुंदर आ गए हैं। बोले, आ गए हैं? बोले, हाँ। बोले, कहाँ हैं? बोले, आ रहे हैं। इतने में जब जगन्नाथ जी आए, कृष्ण आए, और राधा रानी को कृष्ण विरह में लोट पोट खाते हुए उन्होंने देखा। राधा रानी की प्रेम वैचित्र्य का उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करते ही धीरे 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 कृष्ण का जो स्वरूप था, धीरे 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 पिघलने लग गया। और पिघलते पिघलते जगन्नाथ जी के आंख बड़े बड़े हो गए, और हाथ अंदर में चला गया, प्यार अंदर में उसड़ गया प्यार। और उनको आश्चर्य, उन चकित होकर राधा रानी का प्रेम को दर्शन कर रहे थे। श्री बलदेव प्रभु का भी रूप ऐसे ही उनकी विरह देख करके हो गया, सुभद्रा देवी का भी हो गया, उनका सुदर्शन चक्र का भी ऐसे रूप हो गया। सबके सब ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, इतने में श्री राधा रानी सखियों से कह रहे हैं, पहले सखियों मेरे को नहीं, पहले मेरे प्रिय को, मुझे कृष्ण को देखो। देखो तो उनका चेहरा कैसे हो रहा है, शरीर कैसे हो रहा है। फिर आकर के उनको उनको भी देखे। इतने में श्री नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बड़े सुंदर उन्होंने कीर्तन किया है। बड़े सुंदर ब्रज की उन्होंने मीठी मीठी कीर्तन करते हैं। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली मल्हारी, जय माधव मदन मुरारी। जब उन्होंने बड़े सुंदर ब्रज का मीठी मीठी कीर्तन किया, कीर्तन सुनते 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 जो जगन्नाथ जी का ही जो रूप हो गया था, धीरे 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 वह चेहरा माई राधा रानी को भी होश हुआ। फिर जगन्नाथ जी फिर ब्रजवासियों को साथ में मिले, राधा रानी जगन्नाथ जी को कृष्ण को साथ में मिले, मिल करके फिर उनका विरह दूर हुआ है। इसलिए जगन्नाथ जी की जो रूप धारण किए हैं, कहते ये एक कारण है। श्री गौर गोविंद महाराज जी कहते ये कथा को उन्होंने, मतलब गौर गोविंद महाराज जी बताए, जगन्नाथ जी बहुत पुराना है, पुराना किसी ग्रंथ से उन्होंने ये चीज को निकाले। और हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब उन्होंने ये कथा को सुने ना, इतने प्रसन्न इतने खुश हुए, बोला अरे ये तो मेरी हृदय की बात है, ये तो मेरे हृदय की बात है। इसलिए महाराज जी इसको सुन करके बड़े प्रसन्न हुए महाराज। इसलिए जगन्नाथ जी इसी रूप में प्रकट होने का ये सबसे जो बेस्ट कथा है, कभी ये कथा है। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते थे,
जगन्नाथ जी कौन है, महाप्रभु कौन है? बोले श्री महाप्रभु जी हैं, कहते श्री राधा भाव से, कहते श्री कृष्ण विधुरा, मतलब राधा जी की भाव से महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ जी क्या है, कि जगन्नाथ जी राधा विधुरा, वो राधा जी के प्रेम में विभोर होकर के श्री राधा रानी की प्रेम में है, उन्होंने ये रूप धारण किया और राधा रानी को ये ढूंढ रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जो इस जगत में आए, जो विशेष करके तीन कारणों को लेकर के आए, राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, मेरे माधुर्य क्या है, और राधा रानी कैसे मेरे माधुर्य को आस्वादन करके उनको क्या आनंद होता है, ये चीज को लेकर के आए। लेकिन इसलिए महाप्रभु कहाँ पर जाकर रुके, श्री जगन्नाथ पुरी में ही जाकर के रुके। बोले क्यों, कारण है श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु जिस प्रेम को आस्वादन करने के लिए आए थे, राधा रानी की महिमा, जगन्नाथ जी उसी रूप को, उसी प्रेम को याद करते 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 जगन्नाथ जी ये रूप धारण किए। इसलिए महाप्रभु रोज उनकी मंगल आरती में जाना, दोपहर में जाना, शाम को जाना, जाकर के श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। इसलिए जगन्नाथ जी के अष्टक में जो पहला श्लोक है, बोले कदाचित काल निधि तट विपिन संगीत तरलम मुदाभिरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो तुम। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, ब्रज भाव से दर्शन करते थे, वेणु शोभा सिर शिष्य की पूछ कटित दुकुल नेत्रांते सहस्र कटाक्ष विदधते। इसलिए संपूर्ण रूप में उसी श्लोक में जगन्नाथ जी की ब्रज भाव को उसमें अभिव्यक्त किया है, ब्रज भाव को। इसलिए महाप्रभु जो जगन्नाथ जी महाप्रभु जिस रस का आस्वादन करने के लिए आए थे, जगन्नाथ जी उसी रूप को धारण किए हुए हैं। इसलिए महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए हाँ कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, रह करके उन्होंने जिस भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे, वो भाव को महाप्रभु गंभीरा में जगन्नाथपुरी में रह करके उन्होंने आस्वादन किया है। इसलिए उस स्थान का नाम है श्री क्षेत्र, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, क्षेत्र मतलब राधा रानी की प्रेम को द्वारा संपूर्ण प्लावित जो धाम है श्री श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी। बोले श्री जगन्नाथपुरी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।